होए होए होए, सीन देखो, हाईवे है और हाईवे स्ट्रेट वे में बताता हूँ कि हाईवे एक्सप्रेस हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे में चला रहा हूँ, सिंगल वे है। गाड़ी के जब से टायर बदले हैं ना, मतलब जो अपोलो के 165 टायर 165 R14 टायर जब से लगे हैं ना उस प्रोफाइल के, तब से भाई गाड़ी का जो पूरा रिस्पॉन्स है वो खतरनाक तरीके से चेंज हुआ है। इतना स्मूथनेस आया है ना डिजायर को कि क्या ही बताऊँ, इतनी मक्खन की तरह चल रही है, मतलब ऐसे लगता है कि किसी हॉट एयर बलून में बैठे हो। हेलो भाई, मैं ओमकार। यहाँ पे है स्टेयरिंग, यहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 40 के ऊपर है, लमसम 60 के, मतलब गवर्नमेंट मैंडेटरी नॉर्म्स जो है 80 किलोमीटर पे रिड्यूस रखो स्पीड, थोड़ा थोड़ा कम कर दो, उसी स्पीड के हिसाब से मैं गाड़ी यहाँ पे चला रहा हूँ। डिजायर का इंटीरियर देख के आप पहचान गए होंगे कि कौन सी गाड़ी है, कितने साल पुरानी जो गाड़ी है, बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये मेरी डिज़ायर है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो इंटीरियर यहाँ पे है, स्पेशली जो इंटीरियर वहाँ पे आप देख के ही पता लगा सकते हो 2020 डिज़ायर है, ये पुरानी वाली डिज़ायर नहीं है। यहाँ पे मैं इस वक्त चला रहा हूँ, यहाँ पे गियर नॉब, यहाँ पे अभी गियर है सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ मैंने लगाया। अभी देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस 3000 RPM में सामने से कोई ऐसे आता भी है ना तो एक हाथ से, मतलब एक उंगली से ऐसे ऐसे फीडबैक देती है भाई गाड़ी। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में आता है, मतलब टू एयरबैग्स के साथ, ABS के साथ, EBD ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ABS EBD मैंडेटरी है, टू एयरबैग्स के साथ आती है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम या विथ और एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स विथ हैविंग विथ वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग के साथ आती है गाड़ी। टोटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हो तो हाफ एनलॉग हाफ डिजिटल आता है, ऐसे पियानो ब्लैक फिनिशिंग वगैरह समथिंग ऐसा झोलझाल तामझाम करके ऐसे गाड़ी का इंटीरियर पूरा लमचम आता है। पीछे बहुत स्पेस है, कुछ सामान वामान नहीं है फिलहाल तो, मैं किसी बैंक के काम में जा रहा हूँ। यहाँ पे गाड़ी स्ट्रेट अवे बात करें तो हाईवे में दौड़ रही है, इस वक्त चल रही भाग रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे। सामने से अभी व्हीकल आता है, देख लो काट कैसे लेती है, देख लो गाड़ी का रिस्पांस, देख लो भाई एक उंगली है मेरी, गाड़ी ऐसे मुड़ जाती है, एक उंगली देना पड़ता है। अभी देखो यहाँ पे मैं फीडबैक देता हूँ, ऐसे ऐसे करके ऐसे मुड़ गई, मतलब जो जब से टायर अपोलो की 160R 14x15 के टायर प्रोफाइल लगे हैं ना, तब से भाई साहब जो परफॉर्मेंस, मतलब जो गाड़ी चलाने में इवन फील आती है। अभी मैंने फिफ्थ एंगेज किया, गाड़ी देख लो कितनी स्मूथ और मक्खन तरीके से भाग रही है, और इतना स्मूथनेस, मजा आता है ना गाड़ी चलाने में, क्या ही बताऊं। अभी मैं क्रूज करता हूं गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर पे, अभी देखो 80 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी का स्पीड आप फील कर सकते हो, थोड़ा बढ़ गया, और अभी ब्रेकिंग पहले से तो मच बेटर, क्योंकि पहले क्या होता था। अभी देखो कैसे गाड़ियां चलाते हैं यार, यहाँ पे मैंने हाईवे क्रॉस कर दिया और यहाँ पे आ गया, और पहले क्या होता था, पहले जो टायर थे पीछे के, वो पीछे के टायर नए लगाए थे, आगे वाले नए लगाए थे, और पीछे वाले जो थे वो घिस चुके थे, पूरा गोटा हो चुका था टायर, खाली हो चुका था टायर। उसके बाद क्या होता था, जब गाड़ी 80 किलोमीटर पर और पे ऊपर दौड़ती थी, तब गाड़ी का अपोलो के टायर थे और जेके के टायर पुराने वाले थे, जो कंपनी मैंडेटरी आते हैं वही टायर थे। यहाँ पे फिलहाल धूप देख लो कितनी तेज है, तो थोड़ा ना इधर उधर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कैमरा विजिबिलिटी इतना कैप्चर नहीं कर पाती। गाड़ी फिलहाल 60 किलोमीटर पर आवर पे 2000-2500 RPM के बीच है गाड़ी, फिफ्थ गियर एंगेज है, मक्खन की तरह चल रही है। अभी हाईवे ये देखो मार्किंग, व्हाइट मार्किंग है, सामने ही मैं जा रहा हूँ, और जब से ये टायर लगा है ना अपोलो का टायर, तब से भाई टर्न मारने में, जहाँ यहाँ पे देखो एक सैंपल भी देता हूँ मैं, यहाँ पे जहाँ पे शार्प कर्व्स आते हैं ना, एक भाई हाथ काफी है ऐसे घुमाने में, कितना मजा आता है देख लो। और ये जो स्मूथनेस है ना वो आया है टायर प्रोफाइल पूरे बदल के, मतलब अभी जो पेयरिंग है चारों पेयर्स मैं आगे के और पीछे के सिमिलर हो गए, अपोलो के 165 और 14 टायर हो गए, जो पहले वाले थे वो उतने ही प्रोफाइल थी, लेकिन जो क्या था पहले पीछे वाले जेके थे जो पूरे घिस चुके थे, और आगे वाले थे वो अपोलो के थे, मतलब नया पेयरिंग लगाया हुआ, मतलब पीछे वाले जो जेके के थे वो कंपनी मैंडेटरी थे और आगे वाले पूरे टोटल घिस चुके थे, इसलिए मैंने चेंज कर दिए थे। अभी चारों के चारों सिमिलर हो गए, मतलब पहले 7500 में लगाए थे, अभी 7300 लमसम 380 लमसम टोटल अगर कैलकुलेट करते हो तो, हिसाब किताब करते हो तो पूरा कैलकुलेशन बना मेरा, मतलब 200-150 में कम हुई थी प्राइस, डिप्रिसिएशन मुझे मिला उस प्राइस सेगमेंट में टायर परचेस करते वक्त, अपोलो के टायर लगाए। मैं योकोहामा के पर्सनली लगाने वाला था, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था योकोहामा भी बेस्ट है, नॉइसलेस टायर है, लेकिन थोड़े ना इस मौसम में योकोहामा नहीं लगाने चाहिए ऐसे मुझे उस टायर वाले ने बोला, क्योंकि टायर प्रोफाइल का जो बीच वाला सेक्शन होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है। अभी क्या होता है, बारिश तो कम है तो डस्ट पार्टिकल या फिर धूल मिट्टी और कंकड़ अंदर जाने के चांसेस ना उससे अपोलो से ज्यादा होते हैं। अपोलो में टायर प्रोफाइल के बीच वाला जो सेक्शन होता है ना, जो मार्किंग होता है टायर मार्किंग, वो थोड़ा कम होता है, और योकोहामा ज्यादातर के यूज किया जाता है। ऑल टेरेन टायर तो मैं लगाता ही नहीं, खैर तो हाईवे स्ट्रीट हाईवे के लगाता हूँ मैं टायर,
तो ज्यादा से ज्यादा योकोहामा के टायर लगाने में क्या होता है, जब हाईवे क्रॉसिंग नहीं करते, हमारे जो एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा रूरल इंडिया में आते हैं, रूरल एरिया है, तो यहाँ पे ना अनसेटल रोड, अनइवन रोड बहुत ज्यादा है, तो जहाँ पे खड्डों की गड्ढों की बात आती है, खराब रोड की बात है, तो यहाँ पे योकोहामा घिस जाता है कंपेयर टू अपोलो। तो मैंने योकोहामा नहीं लगाए पर्सनली, अपोलो लगाए, और योकोहामा उसके पास अवेलेबल भी नहीं थे, उसने बोला कि बाद में जब चार ही पैर बदलोगे, चार ही गाड़ी के पैर पर्सनली बदलोगे, पैरिंग बदलोगे गाड़ी का टायर, तब चारों के चारों योकोहामा लगा देंगे, तब चारों के चारों टोटल एकदम घिस जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे मेरा हाथ एक स्टेयरिंग पे, एक व्लॉगिंग पे है, मतलब जो यहाँ पे अभी जो ट्रक आया ना, कितना अच्छा फीडबैक दिया, मतलब ब्रेक जो पहले मुझे लगते थे, दो बार कंपनी से भी जा चुका हूँ, आपने पहले मेरे अगर व्लॉग देखे होंगे तो प्लीज विजिट करना उस व्लॉग में, मैंने बताया था कि दो तीन बार मुझे एक शिकायत थी, मेरे को कमेंट करके भी बताना, आप पहले जो डिजायर आया करते थे ना, बहुत सारे ऐसे डिजायर आया करते थे, उनके मुकाबले इसका ब्रेक मुझे बहुत कम लगा, मतलब ब्रेकिंग जो पावर है ना, मतलब इसी अगर वेरिएंट की अगर बात करते तो मुझे चलानी है कोई, अगर भाइयों की डिजायर 2020 होगी तो पेट्रोल डीजल कोई भी हो तो मुझे चाहिए ही चाहिए चलाने के लिए, क्योंकि क्या होगा उससे पता चलेगा कि ब्रेकिंग पावर कितना है। लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया जब मैंने शोरूम में एक सैंपल, अरे क्या करते हैं यार, कैसे चलाते हैं, सैंपल जब मैंने डिजायर चलाई थी, तब मुझे पता चला कि भाई गाड़ी के पीछे वाले टायर थोड़ा गोटा हो चुका है, पूरा घिस चुका है, तो ब्रेकिंग, सर्टन ब्रेकिंग नहीं होती, क्योंकि टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन आगे के टायर में जाता है, और आगे के जो टायर होते हैं ना वो मक्खन की तरह दौड़ रहे हैं, और पीछे वाला टायर गोटा हो चुका है, खाली हो चुका है पूरा, तो ब्रेक जब लगाते हो, अप्लाई करते हो ना, तो पीछे वाले के मुकाबले ट्रैक्शन ज्यादा नहीं बन पाता, तो गाड़ी स्लिपरी हो जाती है, ट्रैक्शन बना नहीं पाती वो गाड़ी, इसलिए मेरा ब्रेक थोड़ा अर्जेंट नहीं लग रहा था, एबीएस तो वर्क कर रहा था, लेकिन क्विक जो रिस्पॉन्स है, क्विक जो बाइट है, वो मुझे गाड़ी में नहीं मिल रहा था। तो फिलहाल मुझे इतना ही बताना है इस वीडियो में, इतना ही बताना था, कभी भी देर मत करना ऐसी गाड़ियों में, जब लग्जरी की बात तो नहीं खैर बोलूंगा मैं, लेकिन ऐसे 100 मीटर गाड़ी की बात आती है, जब ऐसी गाड़ियों की बात आती है जो भागने में मक्खन होती है ना, 100 किलोमीटर ऐसे यूई एवे चढ़ जाती है ना, ऐसे गाड़ियों का ना कभी देरी मत करना, ऐसी गाड़ियों को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये गाड़ियां हमेशा सेफ्टी, एक तो मारुति सुजुकी है खैर सेफ्टी इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करती, इतना नॉर्म्स को रिलेटेड व्हीकल्स तो बना दिए उन्होंने, लेकिन इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं होने के कारण आप एक चलता बिलता मानो बॉम्ब ही लेके घूमते हो। तो टायर ये एक मैंडेटरी है, अगर आपका टायर पूरा खाली हो चुका है, गोटा हो चुका है, पूरा मतलब टोटल घिस चुका है ना, तो टायर को रिलेटेड ऐसे मत रखो, मतलब आलस मत करो, हमेशा टायर रोटेट करो, टायर अलाइनमेंट बैलेंसिंग करने से आपकी ब्रेकिंग भी अच्छी होगी, आपकी जान के ऊपर, आपके परिवार के जान के ऊपर नहीं बीतेंगी, आप हमेशा सेफ रहोगे, हमेशा सतर्क रहोगे, आपके परिवार भी, आप अगर ऐसी जब गाड़ियाँ ज़्यादा करके सेडान जो गाड़ियाँ होती है वो आपके परिवार को लेके, मतलब फैमिली ओरिएंटेड गाड़ियाँ होती है, तो हमेशा सावधानी के साथ रहोगे आप जब आपकी गाड़ी अच्छी खासी मेंटेन होगी। वीडियो देखने का यही मकसद था कि ब्रेक इज इंपॉर्टेंट, अपनी जान है तो ब्रेक है, ब्रेक है तो जान है, धीरे चलाओ हमेशा गाड़ियाँ, गाड़ियों के टायर हमेशा चेक करो, और बाकी के जो मेन पॉइंट होते हैं पैसिव सेफ्टी होती है उससे वो मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ, एक्टिव सेफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्टिव सेफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसिव सेफ्टी होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।